हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों जो आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ तो दोस्तों वो है MWC से ही। दोस्तों जो नोकिया ने MWC में अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया और उसने जो 5 कैमरा वाला स्मार्टफोन था उसको लॉन्च कर दिया। दोस्तों वैसे तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को, लेकिन दोस्तों फिर भी उसमें काफ़ी कमियाँ देखने को मिल रही है, जैसे कि उसका जो प्रोसेसर है और स्पेसिफिकेशन लगभग सभी जो पिछले साल भाई 2018 की स्पेसिफिकेशन थी उसी की तरह है, जैसे कि स्क्रीन साइज़ और हर एक चीज़। तो दोस्तों उस तरह से जो वो कंपटीशन से काफ़ी बाहर होने के चांसेस है, लेकिन दोस्तों उसका जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है वो है कैमरा, 5 कैमरास। तो दोस्तों जो उसके कैमरास है वो वैसे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने को और काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड कैमरा भी लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जो प्रोसेसर है और जो मतलब कि 4G है तो दोस्तों वो भी काफ़ी कमज़ोर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप नोकिया के उस स्मार्टफोन की ओर देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए वो स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका मतलब कि अगर कोई अपग्रेड बजर नहीं आए तो वो डेफिनेटली कंपटीशन से बहुत ही बाहर हो जाएगा। और दोस्तों उस टाइप का स्मार्टफोन मार्केट में टिक पाना 2019 में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जो 2019 में मार्केट में स्मार्टफोन आने वाले हैं वो 5G से रिलेटेड आने वाले हैं। दोस्तों जो भी स्मार्टफोन 2019 में आने वाले हैं वो सभी 5G वाले हैं। और दोस्तों अगर आप 2018 के स्मार्टफोन देखो तो उसमें 4G आएगा। अगर दोस्तों वो 2018 में लॉन्च हो जाता तो काफ़ी बड़ा कंपटीशन दे सकता था मार्केट में, लेकिन दोस्तों आज की डेट में अब जैसे ही वो लॉन्च होगा तो दोस्तों कंपनीज़ अपने 5G फ़ोन लाने वाली है, तो दोस्तों वो डेफिनेटली कंपटीशन से बाहर ही है। दोस्तों अगर उसका अपग्रेड वर्जन आया तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर दोस्तों स्पेसिफिकेशन ख़राब हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी नोकिया के लिए। दोस्तों नोकिया ने ये स्मार्टफोन वैसे तो पिछली साल ही 2018 में पेटेंट किया था, लेकिन दोस्तों जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी तो उसने काफ़ी देर लगा दी और 2019 तक अब तैयार हो चुका है फ़ोन। दोस्तों अब 2019 में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2019 में जैसे कि आप जानते हो कि हुआवे और उसके साथ साथ अब शाओमी ने भी अपने स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लाए जो कि 5G वाले हैं, और दोस्तों वन प्लस भी लाने वाला है। तो दोस्तों हर एक कंपनी कुछ ना कुछ कंपटीशन तो कहीं ना कहीं से दे ही रही है उस स्मार्टफोन कंपनी के लिए। और दोस्तों अगर कोई कैमरा के लिए लेना चाहे तो उसमें ही ज़्यादा भलाई देखने को मिल रही है। दोस्तों उसके जो कैमराज है वो काफ़ी अच्छे हैं, उसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है कैमरा में। तो दोस्तों हर एक मतलब कि 5 जो कैमराज है उसके अपने अपने काम हैं, जैसे कि दोस्तों जो उसका पहला कैमरा है वो मेन कैमरा है और जो सेकंड कैमरा है वो जैसे ब्लर मोड के लिए है, तो दोस्तों डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो दोस्तों इसके बाद जो 3 कैमराज है उनकी अपनी अपनी खासियत है, तो दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल सकता है अगर कैमरा फ़ोन, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यही आती है स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम। दोस्तों अगर कोई स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए किसी फ़ोन में तो दोस्तों उसका मार्केट में टिक पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जैसे कि अब नोकिया अपना स्मार्टफोन लाएगा तो बाकी मार्केट में तो कंपटीशन उसे देखने को मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, और वो किसी को कंपटीशन देने लायक स्मार्टफोन नहीं है अगर उसकी कैमरा की बात नहीं ना की जाए तो, क्योंकि दोस्तों वो बेसिकली एक कैमरा स्मार्टफोन मतलब कि एक कैमरा ही टाइप मान के चलो कि कैमरा ये हो, क्योंकि दोस्तों उसका कैमरा जो मतलब कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों उसके बाकी जो स्पेसिफिकेशन है अगर दोस्तों उसमें इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिली फ्यूचर में तो दोस्तों तभी वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन देगा मार्केट में, क्योंकि दोस्तों अब मार्केट में जैसे कि ओप्पो और वीवो ने भी अपनी जो मार्केट में स्मार्टफोन के, तो दोस्तों उसने सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में अब जो कैमरा फ़ोन लॉन्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में वो भी काफ़ी कंपटीशन दे रहा है, और दोस्तों नोकिया वही गलती दोहरा रहा है। तो दोस्तों अब अगर आप देखें तो मार्केट में काफ़ी बड़ा कंपटीशन ऑफलाइन मार्केट में तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में दोस्तों फिर बात प्राइस की आएगी कि प्राइस काफ़ी हाई रहेगा, तो ऑफलाइन मार्केट में भी मतलब कि वो फ़ोन बिकने की संभावना कम है। तो दोस्तों अगर कोई ट्रू मतलब कि नोकिया फ़ैन हो तो वही उस स्मार्टफोन को लेने की ओर जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात दोबारा वही करो तो प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मेरा चैनल बीटेक। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।